रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर राजस्थान दौसा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में इशारों में पीएम नरेंद्र मोदी ने साधा है अशोक गहलोत पर निशाना, कह दिए बड़ी बात। आइए डालते हैं इस बड़ी खबर पर नजर, जहां पर राजनीतिक गलियारों में अभी भी इशारों में हो रही हैं बड़ी बड़ी बातें। अभी नितिन जी कह रहे थे कि ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देख करके मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। देश में बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से का लोकार्पण हुआ है। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के अलावा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिले को लाभ होगा। इससे दिल्ली आना जाना बहुत आसान होगा। इससे दिल्ली जैसे बड़े बाजार तक दूध, फल, सब्जी ये सारी आवश्यकताएं पहुंचाना, अपने उत्पाद पहुंचाना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप सभी को प्रगति के इस आधुनिक पथ की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देख रहा हूं अभी नितिन जी कह रहे थे कि ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देख करके मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये विशाल जनसागर मैं राजस्थान के इस प्यार के लिए, राजस्थान के इस आशीर्वाद के लिए सर झुका करके राजस्थान को प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, राजस्थान की ये धरती शूरवीरों की धरती है। यहां का बच्चा बच्चा मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की समृद्धि के लिए समर्पित है। यहां के बच्चे बच्चे का सपना रहा है कि भारत दुनिया में किसी से भी कम ना हो। आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए अब भारत ने विकसित बनने का संकल्प लिया है। विकसित भारत बनने के लिए भारत का तेज विकास बहुत जरूरी है। भारत के तेज विकास के लिए भारत में आने जाने के साधनों का तेज होना जरूरी है। भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना उतना ही जरूरी है। इसलिए बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार रोड, रेल, गरीबों के लिए घर,
हर घर में जल, बिजली, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। इस वर्ष के बजट में भी गांव, गरीब, मध्यम वर्ग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सबसे अधिक बल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। पहले की सरकारें रेल रोड बनाने में जितना खर्च करती थी उससे कई गुना ज्यादा खर्च भाजपा सरकार कर रही है। भाइयों और बहनों, रेल रोड पर लाखों के इस खर्च का बहुत बड़ा लाभ हमारे राजस्थान को भी हो रहा है। दशकों तक राजस्थान को कुछ लोगों ने बीमारू 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 राज कहकर के चिढ़ाया है, लेकिन भाजपा राजस्थान को विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार बना रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान दिल्ली और मुंबई से कनेक्ट हो रहा है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और ताकतवर बनाने का काम करेगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।